फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज कम्प्यूट द एक्सपेंडिचर ये पूछा गया एक्सपेंडिचर बिलो विच सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द फैमिलीज इंक्लूड दे आर एक्सपेंडिचर यानि हमें एक ऐसी एक्सपेंडिचर वैल्यू चाहिए जिसके बिलो हमारा सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द डेटा लाई करना चाहिए

पहले हम देखेंगे ये जो डेली एक्सपेंडिचर है क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है यस थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी सो दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर तो हमें इसे कुछ रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है तो हम पहले स्टेप में टेबल बना लेते हैं तो पहला कॉलम आएगा हमारा डेली एक्सपेंडिचर का इन रुपीस नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ फैमिलीज और तीसरा कॉलम हम बनाएंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अब ये कॉलम हम बनाते हैं रैंक को लोकेट करने के लिए सो डेली एक्सपेंडिचर्स है हमारे थ्री फिफ्टी देन फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी नेक्स्ट इज सिक्स फिफ्टी और आखिर में है सेवन फिफ्टी एंड फ्रीक्वेंसीज है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट एंड थर्टीन अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम प्रिपेयर कर लेते हैं ये वाला कॉलम तो पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज दैट इज सिक्सटीन नेक्स्ट आएगा 16 में 19 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है प्लस फाइव प्लस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी एट ये हो जाता है एटी सेवन एंड प्लस थर्टीन करेंगे तो ये आ जाएगा हंड्रेड यानी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से टोटल फ्रीक्वेंसी इज हंड्रेड और हमें ढूंढनी है क्यू थ्री की वैल्यू देखिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी नो दैट फॉर सीरीज इज टाइम्स प्लस वन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन अब यहां पे एन है टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज हंड्रेड तो यह आएगा थ्री इन टू हंड्रेड प्लस वन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन नाउ दिस इज हंड्रेड एंड वन इन टू थ्री सो बेसिकली दिस इज थ्री जीरो थ्री अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन अब थ्री जीरो थ्री डिवाइड बाय फोर करेंगे तो सेवेंटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव आता है सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स वैल्यू तो पहले हम ये दोनों वैल्यूज लोकेट करते हैं और ये सेवेंटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव विल बी समेर ओवर तो सेवेंटी फिफ्थ वैल्यू हम ढूंढते हैं हेल्प ऑफ सी एफ अब फाइव आएगा फिफ्टी नाइन के बाद यहाँ पे ओके सो so, बिकॉज ये एटी क्या रिप्रेजेंट करता है देखिए फिफ्टी नाइन्थ वैल्यू हमारी 550 है तो सिक्सटी से लेके एटी ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारा है 650, ओके सो सिक्सटी पोजीशन से लेके एटी सेवेंथ तक द डेली एक्सपेंडिचर इज 650. सेवेंटी फिफ्थ वैल्यू इज सिक्स फिफ्टी सेवेंटी वैल्यू इज ऑल्सो सिक्स फिफ्टी अब ये दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल है तो यहां पे इंटरपोलेट करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं एज सिक्स फिफ्टी तो अगर ये डिफरेंट वैल्यूज होती तो हम इंटरपोलेट करते इसे हम स्प्लिट करते यहाँ पे दोनों जगह पर सेम ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं सेवेंटी फिफ्थ पोजिशन पर भी सेवेंटी सिक्स पोजिशन भी सो द डायरेक्ट आंसर इज सिक्स फाइव जीरो एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ क्यू थ्री